संपत्ति केस में आयकर विभाग के अफसर आज फिर रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर पर पहुंचे हैं। इससे पहले सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा से आयकर टीम ने 8 घंटों तक पूछताछ की थी। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति हैं। ये पूछताछ बीकानेर और फरीदाबाद में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर की जा रही है। सूत्रों की माने तो बीते दिनों की पूछताछ में रॉबर्ट वाड्रा से कुछ कागजातों के बारे में सवाल हुए। इन कागजातों को रॉबर्ट वाड्रा पहले आईटी के सामने पेश नहीं कर पाए थे। आज जब इसे लेकर रॉबर्ट वाड्रा से सवाल हो सकते हैं। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग की टीम ने पहले भी रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा था, लेकिन कोरोना काल के कारण वो नहीं आ सके थे। ऐसे में अब सोमवार को आयकर विभाग की टीम दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर पहुंची थी। ये पूछताछ बीकानेर फरीदाबाद जमीन घोटाले से जुड़े मामलों को लेकर हुई। आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने कम दाम में बीकानेर में जमीन खरीदी, जिसे आगे अधिक दाम में बेचकर मुनाफा कमाया गया। इसी से जुड़े एक मामले में परिवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन में संपत्ति की खरीद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वाड्रा पर ब्रांड स्टैंड स्क्वायर में 1.9 मिलियन पाउंड की कीमत का मकान खरीदने का आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल अग्रिम जमानत पर है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने विदेश में कथित तौर पर कुछ अघोषित संपत्ति होने और इस मामले से जुड़े दस्तावेज आयकर विभाग को सौंपे थे, ताकि बाद में बने बेनामी संपत्ति कानून के तहत कार्रवाई हो सके। आयकर विभाग के अधिकारियों के जाने के बाद वाड्रा ने मीडिया से कहा कि सभी जानते हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है। जब कभी प्रियंका गांधी उनकी पत्नी किसानों की मुद्दों पर कदम उठाती हैं और बोलती हैं, तो दूसरे मुद्दे उठ जाते हैं, तो फिर से एजेंसियां किसके पास आएंगी? उन्होंने कहा कि वे एजेंसियां रॉबर्ट वाड्रा के पास ही आएंगी। मैं राजनीतिक मुद्दों में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो किसानों के आंदोलन जैसे मुद्दों से ध्यान भटका रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने यहां सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।